सरिला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज सारा राज्य में लागू है नुआ गाइडलाइन अगस्त एक पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रही भितर राज्य में किसी नियम कोहल करे कि कड़ाकड़ी नुआ गाइडलाइन अनुसार सारा राज्य में गड़ बस बोरी में रथयात्रा चली 25 जुलाई जाए बस चलाचल करना सारा राज्य में अटो टैक्सी चलाचल कर आज जिम ब्यूटी पार्लर स्पा खोला रोट सेलून को पूर्व अनुमति मिलता बेले बड़ सेलून खोली पार पार्क मॉल सिनेमा हॉल और बार बंद स्कूल कोचिंग सेंटर खोल रेस्टोरेंट उठा दोकानी केवल पार्सल दे पारे पूर्व भली कैटेगोरी ए रे 20 और कैटेगोरी बी रे 10 जिला रही कैटेगोरी ए सका 6 राति 8 जाए दोकान बजार खोला कैटेगोरी बी रे सका 6 संध्या 5 जाए दोकान बजार खोला कैटेगोरी ए जिले में सप्ताह 7 दिन सका 6 राति 8 जाए दोकान बजार खोला राति 8 सका 6 जाए नाइट कर्फ्यू जारी रैटेगोरी बी रे 10 जिले में सप्ताहांत सटडाउन बलवत्तर रहासह पूर्व भली नाइट कर्फ्यू जारी र तबे आज नुआ गाइडलाइन लागू होता बेले कौन रही बजार रो चित्र एने जा भुवनेश्वर को आम सहित आम प्रतिनिधि स्वप्ना जोड़ी होती स्वप्ना भुवनेश्वर रो चित्र कौन आसुची कारण कैटेगोरी बी रे 10 जिला थिबा बेले खोर्धा मध्ये सेतिरे स्थान पाई खास करी आज भुवनेश्वर रो स्थिति कौन देखो चिन्मय देखो निवेदिता जो भाव में आज कैटेगोरी बी रे विभिन्न जिला मानक जो पूर्व जीवन जीविकार कथा आसुला तेणु समन्वय या समन्वय देखी राज्य सरकार 10 जिला जहाँ पूर्व भली खोर्धा कहतु कटक कहतु बालेश्वर कहतु ये 10 पाखापाखि 10 जिले में बी कैटेगोरी आसला तेणु आज जदि भुवनेश्वर चित्र कह आज कौटना कौटि कटकणार कोहल रही तेणु विभिन्न जगार सका सेलून खोली स्पा खोली जिम खोली कि पूर्वपरि पार्क आउ शॉपिंग मॉल जो गहलीर भिड़ अधिक रेणु से ही सब जगह मानक बंद रही भी कटका जारी रही जदि कह पूर्व जे बस चलाचल बंद थी आज से बस चलाचल आरंभ हो राज्यव्यापी आज बस गड़ब किंतु जो भाव में पूर्व परिस्थिति थिला जे पुरी रो रथयात्रा को देखी पुरी को कौन बस चलाचल करें पूर्वपरि 144 धारा जारी रदि भुवनेश्वर कथा आम देखा तो हमें खोर्धा जिला पूरा जिले में संक्रमण हार जदिओ कमी किंतु कटकणा को पूर्वपरि मानवापी सरकार अनुरोध कर स्थानीय प्रशासन को कड़ाकड़ी निर्देश देते कि लोक मैंने कौली भाव में निजक सुरक्षित रखा हूँ प्रथम काम तेणु सामान्य कटका कोहल कर विभिन्न जगार आज सका सका स्पा खोली कहींपर जे जिम खोली से निज जीविका को बजाय रखापी जीविका पूर्व जहाँ सरकार निश्चित भाव स्वप्ना अनुरोध करेंगे रास्तार दृश्य देखा खासकर आज जेहेतु अटो चलाचल कोमति मिली अटो चलाचल क्या कहतु उठा दोकानी ये समस्त अनुमति मिली टी बर्तमान चित्र देखापी चाहिए देखो जो भाई भाव में आज भुवनेश्वर चित्र रही आप देखिपे जो भाई भाव में अटो स्टाण्रे विभिन्न प्रकार अटो आज चलाचल कर तेणु जो दुईज वनिज जी को चिन्मयी से जापर तेणु आज अटो चलाचल जो जारी रही राज्यव्यापी भुवनेश्वर कथा कहींपर तेणु कौट ना कौटी गोटे पर गोटे अटो चलुंट जी मानक अपेक्षा करना जदिव राज्य सरकार गाइडलाइन प्रस्तुत कर अति जोर दुईज लोकं से बसईक नहीं पारे तेणु आज से जो कटका भितर आज राज्यव्यापी अटो चलुच्छे तेणु समस्त आज कौटना कौटि खुशी कहीं समस्त जीविकार कथा चिन्मय आसूला तेणु निश्चित भाव में स्वप्ना भुवनेश्वर जो चित्र आसला जो बर्तमान हुए तो किना कि मात्र लोकों जीविका उपने जो प्रभाव पड़ूला ता कि मात्र दूर हो सरकार बर्तमान अनुमति देते विभिन्न प्रकार कोहल कर स्वप्ना बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम चित्रपाई बालेश्वर को जीवा बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश आम सहित जोड़ी होती प्रकाश बालेश्वर चित्र कौन आसूसी जेहेतु नुआ गाइडलाइन आज लागू होगा जाऊँगी और बस चलाचल खास करी बालेश्वर में केमती रही देखो जो भाव गत काली जो राज्य सरकार किसीटा कोहल कर जो बस चलाचल आरंभ कर जो अन्न्य दुकान बजार खोल से आप देखते ये हूँ बालेश्वर बस स्टाण्र चित्र आप देखते संपूर्ण भाव पाखापाखि दुई रु अधिक मास धरी जो भाव बस गुड़िक बंद रही है स्टाफ मैंने जो प्रकार दाबी था कि बस चलने सरकार अनुमति दिखती तो से आप देखुंत बस रहा चलाचल आरंभ हो स्वाभाविक न होते कि जो बस मैंने अच्छे मालिक मैंने से बस को तो जीवाई प्रस्तुत करसह आज प्रथम कर बालेश्वर
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ସାରିଛି। ତା ସହିତ ବାରିପଦା ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି 2ରୁ ଅଧିକ ମାସ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି କେମିତି ବସ୍ର ମାଲିକମାନେ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ଏଥି ନେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା, ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ବସ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ବସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଗଢ଼ି ସାରିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବସ୍ ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବାଟା ତ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତେଲ 100କୁ ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ କେଉଁଭଳିଆ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମାସ, 2 ମାସ ତ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ କେଉଁଭଳି? ଆଜି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସିଟିଂ କାପାସିଟି ସେତିକି ହେବ, ସେ ଲୋକ ତ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନା, ତେଲ ରେଟ୍କୁ 100, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବା ମୋ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବା ଏବେ ଘରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ଯାତ୍ରୀ ହେବେନି, ଗୋଟେ ବସ୍ରେ 8-10 ଲୋକ ହେବେ, ସେ ବସ୍ଟା କେଉଁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ହେବ ସେ ମାଲିକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ସେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଟ୍ରେନ୍ଟା ତ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଲସ୍ ହିଁ ଚାଲିବ, ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଲିବ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେବା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା, ଯାହା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଚିତ୍ର ପାଇଁ।